तीन, अरे वाह, भाई रुक जा परी, रुक जा परी, रुक जा यार परी, परी रुक जा यार। तो आज लगभग दो दिनों के बाद हम अपनी परी को ना बाहर लेकर जा रहे हैं। लगभग दो दिन से हम थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं, कोच साहब भी कहीं बाहर गए थे पापा जी के साथ, तो आज इसको लेकर जाएंगे हम हाईवे पर। चले आज कोच साहब, आज हाईवे पर लेकर जाएंगे। वो रोड बिल्कुल खाली रहती है ना यार, हम परेशान हो गए। किसी भी रास्ते पर लेकर चले जाते हैं, वहां पर बाइक कार, उसकी वजह से घोड़ी ठीक से चल नहीं पाती। तो आज हम एक बढ़िया सुनसान रास्ते पर जाएंगे जहां हम इसके साथ अच्छे से सवारी कर सकते हैं। आ जाओ भाई परी, आ जाओ। शाबाश, भाई कोच साहब ना घोड़ी को लेकर जा रहे हैं और मुझे थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि डॉग्स का खाना नहीं बना। तो अभी ये जा रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद स्कूटी से जाऊंगा। इतने ये घोड़ी को थोड़ा सा गर्म कर देंगे, वार्म अप करा देंगे इसका। आजा परी, यार आज तो परी बाहर ही नहीं आ रही। आजा परी, आओ, आजा आजा। आ गई। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। इतना मक्खन चढ़ते हैं ना घोड़ी पर, इतनी आसानी से पता नहीं मुझसे कभी चढ़ा जाएगा। चलो ठीक है कोच साहब, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है यार, हम जल्दी से खाना बनाते हैं और हम भी निकलते हैं फिर इनके साथ साथ। चलो यार, परी तो जा चुकी है। तो फाइनली भाई डॉग्स का मेटी बनकर तैयार हो गया है। चलो अच्छी बात है, और मैं ज्यादा लेट भी नहीं हुआ, मैं कोच साहब के साथ साथ ही चलता हूँ वहाँ पर। कुछ रह तो नहीं गया। ये देखें भाई, युवराज और हीरा कितने परेशान है बेचारे, बाहर देख रहे हैं। इनको पता ना इनकी साथी चली गई बाहर, क्या हो गया। तुझे भी तो मौका मिलता है बाहर जाने का। चलो भाई ने ही रहने देते हैं और हम चलते हैं सीधा बाहर। गए हैं सीधे, चल ठीक है। यार मैं कैनल से निकल गया हूँ और कोच साहब ये बच्चा बता रहा था कि सीधे गए हैं, मुझे नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। चलो जल्दी चलो। तो फाइनली कोच साहब मिल चुके हैं मुझे, और देखो भाई सामने वो वाली सड़क दिख रही है आपको, हाईवे वाली, उस पर आज हम इसको दौड़ाने वाले हैं। चलो अपनी परी की ट्रेनिंग शुरू कर दी है कोच साहब ने। ये चेक करें भाई, टकाटक 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 टकाटक। यार अभी कोच साहब ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, परी थोड़ी सी थक गई थी ना बेचारी। ये चेक करे भाई कैसे कर रहा है इसका पेट, और भाई नसे चेक करे पैरों की। ओ हो, कैसे बाहर आ गई नसे। क्या कर रहे हो कोच साहब? यार आज कुछ कोच साहब नया करके दिखाने वाले हैं, मुझे पता नहीं क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा तूने पहले कभी नहीं देखी होगी। आराम से परी, पता नहीं भाई क्या ही दिखाएंगे। भाई देखें कैसे थक गई है ये, इसकी नाक में से सू 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 आवाज आ रही है। अरे, ओ भाई, अरे वाह, क्या बात है। भाई बस यार, कोच साहब ना घोड़ी के पीछे से चढ़ेंगे, मुझे तो यार यकीन से नहीं हो रहा, पता नहीं कोच साहब कैसे चढ़ेंगे। कोच साहब गिर नहीं जाना, आराम से चढ़ना। ओहो, क्या बात है यार, इतनी सारी टेक्निक्स होती है ना, घोड़ी को पहले अच्छी तरह से एक स्टांस में खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं उसके साथ। भाई कुछ पैरों के साथ कर रहे हैं, पता नहीं कोच साहब क्या कर रहे हैं। ये देखें भाई, ओहो, ये देखें भाई, अरे भाई, अरे वाह, बस यार घोड़ी चल जाती है बार बार, आराम से खड़ी रहे, क्या बात है भाई। बस आराम से बस। ओहो, अरे क्या बात है कोच साहब। सैल्यूट है भाई आपको। ये चीज आपने कैसे, कहां से सीखी ये चीज? अपने उस्ताद से सीखी जाती है। अरे भाई यार क्या कराया कोच साहब ने, कोच साहब मुझे भी सिखा दो, मैं सीख जाऊंगा इस चीज को। यार मैंने तो वैसे भी जूते पहन रखे हैं, क्या बात है। एक बार और करोगे? अरे भाई एक बार और करने वाले हैं कोच साहब, बिल्कुल मजा ही दिला दिया कोच साहब ने तो। चलो भाई एक बार से फिर देखने वाले हैं हम ये चीज। शाबाश, ओहो, क्या बात है। एक दो तीन, अरे वाह, ओहो, बस आराम से, क्या बात है। यार ऐसी ऐसी चीज देखने के लिए मिलती रहे ना मुझे रोज, मजा ही आ जाए यार। अच्छा जी ये क्या चीज है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। भाई अब एक और चीज करने वाले हैं, अब दूसरी चीज है। क्या बात है। भाई देखे घोड़ी कैसे खड़ी हो गई यार, कुत्ते की तरह,
जैसे कुत्ते दीवार पे पैर रख के खड़े हो जाते हैं ना भाई, घोड़ी भी खड़ी हो गई। ओह हो क्या बात है यार, ऐसा लग रहा हो भाई साहब घोड़ी कैसे खड़ी है यार। अरे भाई साहब कोसब दर्द तो नहीं हो रहा हाथ में, ये क्या चीज कर रखी है? नहीं बेटा। ओह उतर गई यार। कोच साहब ने इसके पैर के नीचे हाथ लगा लिया, कोच साहब दर्द नहीं हुआ हाथ में? यार पता नहीं कुछ टेक्निक यूज करी होगी भाई मेरे ख्याल में तो। अरे अरे ओ भाई साहब दांत कोच साहब आराम से चोट नहीं लगनी चाहिए आराम से। अरे भाई साहब ओहो बस पूरी रफ्तार पकड़ ली, अब क्या करें? छठी यार पकड़ी नहीं जा रही है, परी आराम से भाई, रुक जा परी, रुक जा परी, रुक जा यार परी, परी रुक जा यार, रुक जा परी, और भाई डर लग रहा है बस, रुक जा परी, रुक जा, रुक गई आपका कहना मान लिया है ना। ओहो भाई सच में जान बिल्कुल गले में आ गई थी मेरे, बहुत स्पीड बढ़ा दी भाई, रुक जा, रुक जा परी, रुक जा, रुक जा परी, रुक जा, इतनी स्पीड हमने कभी कोई परी, बस 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 बस, ओहो पकड़ ली, क्या बात है यार, क्या बात भाई साहब। एक बार के लिए तो ऐसा लगा था कि यार हमने शायद परी को खो दिया और ये हाथ ही नहीं आएगी। एक बार फिर से घोड़ी पर कोसा बैठ गए आराम से। भाई हमारी परी ना बढ़िया चाल चलने लग गई है आजकल, ये चेक करें, ओहो कितनी बढ़िया चल रही है यार, कुछ दिन में सीख गई है तो, 3-4 दिन मुश्किल से इसकी ट्रेनिंग करते हुए होंगे हमें और 3-4 दिन में इतनी बढ़िया सीख गई। ये देखें भाई कितनी बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया परी, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। एक बार के लिए तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि युवराज तो भागते नहीं है, लेकिन परी इतनी तेज भाग रही थी, कैनल भी आसपास था नहीं भाई, कैनल से भी बहुत दूर थे हम हाईवे पर, इसको मिलता ही नहीं, अगर ये हमारे हाथों से निकल जाती ना सच में हाथ नहीं आती भाई। भाई वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास स्कूटी थी, अगर हम दोनों ही पैदल होते ना भाई सच्ची में हमारे हाथ नहीं आती है, वो तो अच्छा हुआ स्कूटी पे चलते चलते हमने इसको पकड़ लिया। ओहो कितनी तेज चल रही है परी, वाह भाई क्या स्पीड निकाल रखी है कोच साहब ने, क्या बात है। यार मैं अभी वापस कैनल पर लौटा हूँ और ये चेक करें मेरे हाथ में मोर के पर है, पता नहीं कोच साहब ने लिए थे यार ये, वैसे कितने प्यारे लग रहे हैं भाई मोर के पंख। बाहर आ गई घोड़ी, आ गई बाहर, आ गई घोड़ी, युवराज क्या देख रहा है, आज तेरी मैडम छूट के भाग जाती है हमसे, देखता का देखता रह जाता तू आज। भाई मुझे याद भी आ जाता ना तो ऐसा लगता है कितना खौफनाक वो दृश्य था, जब घोड़ी भाई कम से कम हमने स्कूटी की बिल्कुल फुल रेस दे रखी थी तब भी वो हमसे आगे चल रही थी, 80-90 की स्पीड पर तो भाग ही रही होगी भाई, लेकिन फिर जब वो थकी थोड़ी सी तब जाकर शायद वो हमारे कंट्रोल में आई है, कोच साहब ने एकदम से उसकी लगाम पकड़ ली तभी जाकर वो कंट्रोल हुई, वरना आज तो भाई नुकसान हो जाता 2 लाख का कम से कम। हाँ कर रहा है, आ जाओ बे परी, कम ऑन, शाबाश। यार हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इस अपने कैनल पर ना हम अपने कैनल पर सारे के सारे फैंसी कबूतर रखेंगे, उनके फिर प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, बहुत मजा आएगा।